इस बार एक्शन करते नजर आएंगे धनुष। उनकी फिल्म कैप्टन मिलर 15 दिसंबर को होगी रिलीज। रजनीकांत के दामाद और साउथ के सुपरहिट डायरेक्टर धनुष की अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। उनके फैंस को उनकी फिल्मों के आने का इंतजार रहता है। तो चलिए आपको खुशखबरी सुना ही देते हैं। आपके प्यारे रांझना इस बार रोमांस नहीं एक्शन मोड में नजर आने वाली है। उनकी फिल्म कैप्टन मिलर 15 दिसंबर को रिलीज हो रही है। यह हिंदी और तेलुगु में एक साथ रिलीज होगी। इसके ट्रेलर की बात करें तो इसमें उनका राउडी लुक फैंस को पसंद आ रहा है। इसमें बताया गया है कि कैप्टन मिलर ब्रिटिश सेना की नजर में एक अपराधी थे। फिल्म का निर्देशन अरुण माथेश्वरन ने किया है। धनुष के साथ इस फिल्म में सुदीप किशन, नासिर एलंगो, कुमार वेल, एडवर्ड सोने पब्लिक, बाला सरवनन और सुमेश मूर भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की बात करें तो ट्रेलर से पता चल रहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी धनुष अपनी अदायगी की वजह से कुछ कमाल करने वाले हैं। ट्रेलर में दिखाया गया उनका लुक ही बहुत कुछ कह रहा है। ट्रेलर रिलीज से कुछ समय पहले धनुष ने सोशल मीडिया पर अपना लुक शेयर किया था। इसमें वो नेटिजन्स के निशाने पर आ गए थे। उनके इस पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार थी। आपको बता दें कि कैप्टन मिलर के साथ तेरे इश्क में का भी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले धनुष बड़े हुए बालों और शेव के साथ जब स्पॉट हुए तो लोगों का उनका यह लुक समझ नहीं आया था। अब पता चला है कि यह लुक तो उनका अपने किरदार की वजह से हुआ था। यह फिल्म ब्रिटिश शासन काल के एरा पर बनी हिस्टोरिक पीरियड ड्रामा है। यह एक ऐसे अपराधी की कहानी है जिस पर ब्रिटिश सरकार ने 10,000 का इनाम रखा है। मिलर खुद को बचाए रखने के लिए अपनी टोली के साथ भीड़ों में रहता है। यह धनुष की अब तक की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है जिसका बजट 90 करोड़ का है। गुड बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नई अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।